द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 40 सेंटीमीटर। जैसे ये क्लॉक है, इसमें बोल रहा है मिनट हैंड, तो मिनट हैंड हमें पता है मिनट हैंड ऐसे होती है, ये मिनट हैंड, इसका मतलब ही यहाँ से यहाँ तक जा रही है मिनट हैंड। तो इसने क्या गिवन दिया है, यहाँ पर रेडियस दे दिया अपने को 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ अ क्लॉक। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो बताओ इस घड़ी के अंदर 5 मिनट में कहाँ से कहाँ तक आ जाता है मिनट का हैंड। तो मिनट हैंड 12 से कहाँ आ जाता है, 1 पर। तो 12 से आ जाता है 1 5 मिनट्स, फिर 5 मिनट, 5 मिनट, एक एक नंबर आगे बढ़ता है। मतलब ये पूछ रहा है इसके बीच का जो एरिया है ना, स्वेप्ट, एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स। अब एंगल कितना होगा, तो टोटल कितने पार्ट्स हैं यहाँ पर, 12 दिख रहे हैं हमें, तो हमें क्या निकालना है, एंगल है ना कवर्ड बाय 5 मिनट्स है ना, एंगल स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स। हम देखते हैं कि इसका एंगल कितना होगा, टोटल होता है 360 है ना, पूरा कितने इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो 12, तो 12 से कट देंगे इसको, कट कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यानी एरिया स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स, सॉरी एंगल स्वेप्ट बाय 5 मिनट्स कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। अब हमें रेडियस मिल गई, थीटा मिल गया, अब क्या निकालना है, एरिया, एरिया यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर, यस, यहाँ में लिखेंगे एरिया स्वेप्ट, तो हम क्या लेंगे, एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिए, ये एरिया ऑफ सेक्टर का, पता पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 14, थीटा हमने निकाला है यहाँ पर 30 डिग्री अपॉन में टोटल 360, 0 से 0 कट, 3 1 3 कट जाएगा 12 टाइम। अब रख दो इसको 22/7, 14 × 14 क्योंकि 14 का स्क्वायर है, अपॉन बन रहा है 12, 7 से कट जाएगा 14, 7 × 14, 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, फिर 2 से कट रहा है 2 × 3 = 6, ठीक है, 2 से फिर कट रहा है 11 टाइम, ऊपर बच गया 11 × 14 अपॉन कितना 3, 11 और 14 का मल्टीप्लिकेशन कर ले 154/3 cm². हैंस द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज 154/3 cm², ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, सबसे पहले रेडियस दे दिया 21 सेंटीमीटर, लिख के रख लो। फिर बोल रहा है द सब्सटेंस एंड एंगल इज 60 डिग्री एट अ सेंटर, थीटा कितना दे दिया है 60 डिग्री। क्वेश्चन में दो चीज़ें मिल गई, आर और थीटा। द लेंथ ऑफ आर्क, द लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, द बोलो फॉर्मूला 2πr(θ/360, ये लेंथ ऑफ आर्क होता है। तो 2πr, 2 × π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 21 × θ 60 डिग्री अपॉन में कितना 360। वैसे कट करो, 0 से 0 कट, 6 × 1 = 6, 6 × 6 = 36, ठीक है, फिर 7 से कट गया है 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21, ऊपर वाली वैल्यू लिख लो 2 × 22 × 3 अपॉन कितना 6, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बची अपॉन में ओनली 6 बचा, 2 से कट कर दो 2 × 3 = 6, 3 से 3 कट गया, ओनली क्या बचा 22 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ आर्क इज 22 सेंटीमीटर। स्क्वेयर नहीं लगाना है इसमें क्योंकि लेंथ पूछी है, जब एरिया पूछेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वेयर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा है, द एरिया ऑफ सेक्टर फ्रॉम बाय द आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वेयर इंटू थीटा अपॉन 360, वही तो होता है एरिया ऑफ सेक्टर, यही वाला एरिया ऑफ सेक्टर सेम। चलो पाई की वैल्यू रख देते हैं हम 22/7, आर की वैल्यू यहाँ से हमें दिख रही है 21, यहाँ रख दिया हमने 21 स्क्वेयर, थीटा फिर से कितना डिग्री 60 डिग्री, ये रखा हमने 60 अपॉन में टोटल 360, 0 से 0 कट, 6 × 6 = 6, 6 × 36, फिर रखेंगे 22/7, 21 × 21, 2 टाइम लिखेंगे अपॉन में 6, 7 से कट कर दो 7 × 3 = 21, ठीक है, 3 से कट कर दो 3 × 2 = 6,
फिर 2 से कट कर दो 11 टाइम, 11 इंटू 21, जैसे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 21 का 11 से मल्टीप्लाई, 12 इंटू फिर 12 प्लस करो 132, यानी कि 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। हैंस द एरिया ऑफ द सेक्टर फ्रॉम बाय द आर्क इज 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया ऑफ सेक्टर और लेंथ ऑफ आर्क के ऊपर एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों अच्छे से कर लें।